नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही तीन तलाक पर रोक लगा दी हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद भी शौहर ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। उसके ये शब्द सुनकर महिला अवाक रह गई। बिलखती हुई वे अपनी माँ के साथ थाने पहुंची और पति सहित चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने जांच कर कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। मामला कमालगंज थाने क्षेत्र के गांव राजेपुर सराय मेदा का है। नाजरीन की शादी साकिर से 13 साल पहले हुई थी। नाजरीन अपने पति साकिर के साथ साकिर के गलत काम और शराब पीने से रोकती थी। इस कारण साकिर ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। नाजरीन के तीन बच्चे हैं जिन्हें साकिर ने अपने साथ रख लिया। एसएसपी त्रिभुवन सिंह का कहना है कि मामले की जांच के लिए थाना कमालगंज पुलिस को आदेश दिए गए हैं, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मेरी साथी के 13 साल हो गए। क्यों निकाल दी? इसलिए कर्म भी करते हैं और तलाक इसलिए मिली थी क्योंकि मैं काम की कहती हूँ और मेरे सास ससुर मारते हैं मुझे और बच्चे भी छीन लिए हैं, पर मैं उनसे कुछ नहीं कभी भी कहती थी क्योंकि बर्दाश्त करते करते बहुत मारते हैं। कभी भी उन्होंने मुझे इस तरीके से नहीं दिखा, ये मेरी औरत है, मुझको ऐसा समझते हैं जैसे कि एक रंडी को रख रहे हैं। मेरे से बच्चे बोलते हैं कि मैंने तुझसे इसलिए बच्चे करे, तू तो एक रंडी थी, अब तुझको तीन तलाक देके निकालते हैं, तू अपने घर तलाक आपको कैसे दी, लिख के दिया क्या? मुझे लिख के नहीं दी, मुझसे तीन बार तलाक तलाक बोल के घर से निकाल दिया, कपड़े लत्ते सब छीन लिए, बच्चे भी छीन लिए। उसके द्वारा ये बताया गया तो उसके तीन बच्चे हैं, उसके ससुराली जन मारपीट करते हैं, उसको तलाक दे दिया है, अपनी माँ के पास रह रही है और बच्चों को भी ससुराली जन ने छीन लिया है, तो उसमें मैंने मुकदमा कायम करने का आदेश कर दिया है। मुकदमा कायम करके और से कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा कायम हुआ? हाँ, जो भी धाराएं बनेगी, मारपीट भी किया गया है, बच्चे छीन लिया है, उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, मुकदमा लेकर कार्रवाई की जाए।